कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने ऊपर दर्ज हुए केस को लेकर आरोप लगाया है कि साजिश के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जी यूपी उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजय राय ने वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से ही तय था और ऐसे में किसके कहने पर अनुमति नहीं दी गई, ये साफ होना चाहिए। कहा जा रहा है कि मानहानि का मुकदमा है, आपने लोगों को जो है वो उद्वेलित किया कि वो इस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो आपने कहा कि डर है एक तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इसलिए उतरने नहीं दिया। नहीं, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं कहा कि डर है, मैंने कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी सरकार के दबाव में राहुल जी की इस जहाज को उतरने नहीं दिया। कारण डर ये है कि देखिए, राहुल जी लगातार पदयात्रा जब उन्होंने कश्मीर से प्रारंभ किया कन्याकुमारी से, और उस यात्रा को लेकर जिस तरीके से पूरी भारत सरकार और मोदी जी घबराए हुए हैं, आप देखेंगे वो सारी चीज़ें व्यवधान करने का उनको पहले ही से था कि कैसे रोका जाए, कैसे बदनाम किया जाए। तो राहुल जी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके तहत ही राहुल जी अपने जो उनका मात्र स्थान है प्रयागराज, वहाँ जाना चाहते थे, जो उनकी इतने साल पुरानी ट्रस्ट है, जो उनके पूर्वजों ने स्थापित किया है कमला नेहरू, उसकी मीटिंग थी, उसमें वो जा रहे थे। और उसके पहले यहाँ बनारस था कि हम लोग ने आग्रह किया था कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके यहाँ से जाने का कार्यक्रम था, और वो 11:45 का उनके लैंडिंग का इनके पास जो इन्होंने अपने प्रोटोकॉल में जो लिखा है डिपार्टमेंट के, उसमें ये तय था। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी भी तो स्वीकार कर रही है ना कि 11:45 में उनका जहाज लैंड करने वाला था। तो जब वो जहाज यहाँ आने वाला था तो किस अधिकारी के कहने पर या इनके विभाग के कौन से अधिकारी या इस देश के प्रदेश के कौन से अधिकारी के कहने पर वो जहाज लैंड नहीं करने दिया 11:45 की, और वो ये खुलासा करें, ये आम बतावें आम मीडिया को, आम जनता को, कि 11:45 जो राहुल जी की लैंड करने वाला था जहाज, वो किस अधिकारी के कहने पर या कौन से मंत्रालय के कहने पर वो जहाज को नहीं आने दिया, उसकी अनुमति नहीं दी गई, ये बता दें। एयरपोर्ट जो डायरेक्टर हैं आर्यमा सान्याल, उनका कहना था कि अजय राय सीनियर लीडर हैं, इस तरह से अगर वो बात करेंगे तो एक संस्था के प्रति जो छवि है वो धूमिल होती है, और इसी के चलते ये FIR दर्ज करेंगे। नहीं देखिए, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी शायद आर्या सान्याल जी अभी आई हैं डायरेक्टर होके, मैं 5 बार विधायक वहाँ से रहा हूँ, शायद वो अगर उनके पास जानकारी नहीं तो जानकारी ये कर लें। प्रत्येक किसी भी एयरपोर्ट के कर्मचारी अधिकारी जो पुराने हैं उनसे बात करेंगे। मैं वहाँ पर जब एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा था तो विस्तार में किसानों ने ज़मीन देने से मना कर दिया, और एयरपोर्ट डायरेक्टर थे उस दौरान UN सिंह जी, वो और उस SDM प्रशासन की तरफ से वहाँ पर जब ज़मीन का कब्जा लेने गए तो किसानों ने विरोध किया, गोली छिली, किसान मर गया था। आपको मैं बता दूं, मैं वहाँ आज महाशिवरात्रि के दिन ये बात कह रहा हूँ, मैं वहाँ खड़े होकर रात रात भर खड़े होकर मैंने ज़मीन एक्वायर कराया, किसानों को मनाया, किसानों के हाथ पैर तक मैंने पकड़े जोड़े कि यार इससे विकास होगा क्षेत्र का, देश का भला होगा, बनारस का भला होगा, और हम लोगों ने एयरपोर्ट को सजाने संवारने के लिए काम किया, न कि एयरपोर्ट ने आप खिलाफ मानहानि का मुकदमा था। वही मैं कह रहा हूँ कि उसी एयरपोर्ट ने आज मेरे खिलाफ कार्रवाई, इसलिए कि केंद्र में जो बैठी सरकार है उनके दबाव पर। और एक चीज़ और बता दूँ, ये FIR किसने कराया, ये वर्तमान जो अभी डायरेक्टर हैं ये छुट्टी पर चली गई, छुट्टी पर जाने के बाद जो कार्यवाहक डायरेक्टर है पाठक जी बेचारे गरीब ब्राह्मण को उनको जो है लेकर हम सामने खड़ा करके उनके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए।